हे फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी रायता। इसे बनाना बहुत ही इजी और क्विक होता है और आप इसे बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ यूज़ भी कर सकते हैं और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होता है। बस थोड़े से कुछ सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप इसे मिनटों में बना के तैयार भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ईजी होने के साथ साथ इस समर सीज़न के लिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। बूंदी रायता बनाने के लिए आप सबसे पहले उसके सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखें और जब आपको सर्व करना हो तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप कर्ड, और कर्ड ध्यान रहे कि ज़्यादा खट्टा ना हो, मीठी कर्ड लें। और उसमें मैंने यूज़ किया है ये 1 मीडियम साइज़ का कुकुम्बर, जिसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। और उसमें अब मैं मिक्स करूँगी 1 स्मॉल साइज़ का टमाटो, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1/2 अनियन, इसे भी मैंने फाइनली चॉप करके ले लिया है। और 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और इसमें जाएगा 1 चम्मच हरी धनिया के पत्ते, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 3 तरह के नमक यूज़ किया है। 1 तो प्लेन नमक है, 1 ब्लैक सॉल्ट है, और 1 है जीरा, लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। जीरे को मैंने रोस्ट कर लिया है, उसके बाद उसमें लाल मिर्च को भी रोस्ट करने के बाद उसका पाउडर बना लिया है। बस अब लीजिए, आपका बूंदी रायता तैयार है और आप ऊपर से बूंदी डाल के इसे फटाफट से सर्व करें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और इसे बच्चे और बड़े घर में सभी पसंद करते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और इसे आप वेज पुलाव, बिरयानी, किसी भी राइस की रेसिपी के साथ या फिर खाने में डेली बना करके आप सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।